हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं अजय, एज अ डेवलपर, बिजनेस कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। आज मैं आपको इंसर्ट टैब में इल्यूस्ट्रेशंस ब्लॉक के बारे में बताऊंगा, जिसमें पिक्चर, ऑनलाइन पिक्चर, शेप्स, स्मार्ट आर्ट और स्क्रीनशॉट दे रखे हैं। तो चलिए इसे लाइव देखते हैं। देखो, इसमें सबसे पहला ऑप्शन है पिक्चर। इसका यूज आप ऐसे देख सकते हैं कि आप अपने कंप्यूटर में कोई इमेज या फिर लोगो पड़ा हो, वो इंसर्ट करना चाहते हैं तो इस पिक्चर ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक लोगो लेना चाहता हूँ इस चेक पर, तो मैं इस ऑप्शंस का यूज करूंगा। जैसे ही मैं एक बार क्लिक करूंगा, मैं यहाँ पर ये ब्राउजर में पहुंच चुका हूँ। उसके बाद मैं पिक्चर में क्लिक करूंगा, पिक्चर ऑप्शंस में। उसके बाद यहाँ पर लोगो में सेलेक्ट करूंगा, इंसर्ट करूंगा। देखो, आप देख सकते हैं वो लोगो किस प्रकार से मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया, उसे ले जाके मैंने यहाँ पर रख दिया। जैसे ही इस पिक्चर को मैंने लिया, यहाँ पर एक फॉर्मेट टैब ओपन हो चुका है। उसमें यहाँ पर एक कलर का ऑप्शन है, जिससे मैं यहाँ पर इसका कलर चेंज कर दूंगा। आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये लोगो मैंने यहाँ पर पिक्चर ऑप्शंस का यूज कर रख दिए हैं। उसके बाद आता है ऑनलाइन पिक्चर। ऑनलाइन पिक्चर, यदि कोई इमेज या लोगो आपको ऑनलाइन इंसर्ट करना हो तो इस ऑप्शंस का यूज आप कर सकते हैं। अगर शेप्स की बात करें तो शेप्स में रिसेंटली यूज्ड शेप, लाइंस, रेक्टेंगल, बेसिक शेप, ब्लॉक एरोस, इक्वेशन शेप, फ्लो चार्ट, स्टार एंड बैनर और कॉल आउट आते हैं। इसका यूज आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे यहाँ आप देख रहे होंगे सेव का एक बटन है और मुझे यहाँ उसी के जैसा डिलीट का एक बटन बनाना है, तो मैं इस शेप में रेक्टेंगल राउंडेड कॉर्नर शेप का यूज करूंगा और यहां पर डिलीट ऐसा लिख दूंगा। जैसे ये शेप लिया है, उसके बाद यहाँ पर फॉर्मेट टैब ओपन हो चुका है। यहाँ पर बहुत सारी डिजाइन है इस बटन की, मैं यहाँ पर ये वाली डिजाइन ले रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ होम टैब में जाकर उसके फ़ॉन्ट को एरियल ब्लैक बना दूंगा। उसके बाद उसकी साइज 18 की कर दूंगा और यहाँ पर इसके अलाइनमेंट को सही कर दूंगा। सेव के जैसा ही डिलीट का एक बटन बन चुका है। उसके बाद आता है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट में बहुत सारे आर्ट दे रखे हैं, आप जिस आर्ट का यूज करना चाहें उस आर्ट का यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक फनल आर्ट का यूज करके बताऊंगा। देखो, इसमें एक फनल लिया है जिसके कलर को मैं अभी चेंज कर रहा हूँ। कलर को चेंज करने के बाद मैं यहाँ राइट क्लिक कर यहाँ पर शो टेक्स्ट पेन ओपन करूंगा। ये ओपन होने के बाद देखो, मैं यहाँ पर लेमन जूस के लिए 3 इंग्रेडिएंट लेने होते हैं, वो मैं लिख के बताऊंगा यहाँ पर उन तीनों के नाम, जैसे शुगर, वाटर, लेमन, और इस तरीके से लेमन जूस बन जाता है। मैं यहाँ पर नाम लिख के बताता हूँ आपको। अब देखो, जैसे ही इस आर्ट पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर डिजाइन और फॉर्मेट टैब दिखेंगे। जैसे ही डिजाइन टैब पर क्लिक कर आप इसकी डिजाइन को चेंज करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर पॉलिश्ड एक फंक्शन है, उसको जैसे ही क्लिक करूंगा आपकी जो आर्ट होगी वो एकदम पॉलिश्ड टाइप हो जाएगी। उसके बाद यदि आप इसके लेआउट को चेंज करना चाहते हैं तो देखो, यहाँ से आप लेआउट को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको क्लिक कर दिया वर्टिकल इक्वेशंस को, तो देखो इसका लेआउट भी यहाँ पर चेंज हो चुका है। उसके बाद स्क्रीनशॉट आता है। स्क्रीनशॉट को आप ऐसे समझ सकते हैं, देखो यहाँ पर ये एक ब्रैकेट्स ओपन है, उसके बाद यहाँ पर एक ब्राउजर ओपन है, उसके बाद यहाँ पर एक फोल्डर ओपन है, तो आप इन तीनों के स्क्रीनशॉट यहीं से ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ब्रैकेट्स के अगर स्क्रीनशॉट को लेना चाहूँ तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक कर दूंगा तो ये देखो, आप देख सकते हैं जो ब्रैकेट्स है उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर आ चुका है। मैं यहाँ पर फिर से अगर फोल्डर या फिर ब्राउजर का स्क्रीनशॉट लेना चाहूँ तो यहाँ पर जैसे ही ब्राउजर करूँगा ब्राउजर आ जाएगा। उसके बाद यदि मैं फोल्डर का लेना चाहता हूँ फोल्डर करूंगा तो फोल्डर का ये स्क्रीनशॉट आ जाएगा। तो आप इस तरीके से जो विंडो ओपन है उनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उस स्क्रीनशॉट को यदि आप क्रॉप करना चाहते, देखो यहाँ पर फॉर्मेट टैब ओपन हो चुका है और यहाँ से वो स्क्रीनशॉट आप क्रॉप कर सकते हैं। इसके अलावा भी देखो, मैं आपको एक्सेल से रिलेटेड एक मोटिवेशनल स्टोरी बताऊंगा अपनी आने वाली वीडियो में, जिसमें मैं प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कुछ चीजें बताऊंगा। इस वीडियो में यदि आपको कोई ऑप्शन नहीं समझ में आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।